मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर के रेनोवेशन में नियमों के उल्लंघन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक नया निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सत्कर्ता निर्देशालय की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाले लोक निर्माण विभाग के 6 अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे। अधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का हल्फनामा दिए जाने के बावजूद अब मानना पूर्ण कदम उठाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि उक्त तिथि पर इस अदालत ने संतोष कुमार त्रिपाठी और राहुल मेहरा द्वारा दिए गए इस शपथ पत्र के आलोक में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया था कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर भी प्रतिवादी शपथ पत्र का उल्लंघन करते हुए संयम बरतने में विफल रहे और उन्होंने इस अदालत द्वारा पारित आदेश की अवमानना करते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कदम उठाए। उच्च न्यायालय लोक निर्माण विभाग अधिकारियों के एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था जिन्होंने अनुरोध किया था कि उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने का अंतरिम आदेश पारित किया जाए।